दोस्तों ट्रेन के सफर के दौरान आपने देखा होगा, जब भी कोई ट्रेन किसी रेलवे स्टेशन से गुजरती है जहां उस ट्रेन का स्टॉपेज नहीं होता है, तो ऐसे में उस ट्रेन का स्पीड पहले से तेज हो जाती है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? यह आंखों का धोखा है या कुछ और? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। इसको अच्छी तरह से समझने के लिए साइंस के कुछ टेक्निकल रीजंस को समझना होगा। दोस्तों इसको आप दो तरह से समझ सकते हैं, पहला तो ट्रेन में बैठकर, दूसरा ट्रेन से बाहर किसी स्टेशन से खड़े होकर देखने पर। जब आप किसी ट्रेन में सफर करते हैं और आप बाहर की तरह झांकते हैं तो आपको ट्रेन के ट्रैक के बगल की चीजें और दूर की चीजें दिखाई देते हैं। अगर आप नजदीक की चीजों को ट्रेन के स्पीड से कंपेयर करेंगे तो ट्रेन काफी तेज गति से चलता हुआ प्रतीत होगा। वहीं अगर दूर के पेड़ पौधे या किसी घर को देखेंगे तो ट्रेन का स्पीड अपेक्षा स्लो मालूम पड़ेगा, जबकि ट्रेन अपने नॉर्मल गति से चलती है। इस प्रकार जब आप किसी ट्रेन में बैठे हैं और वह किसी नॉन स्टॉपेज वाली स्टेशन से होकर गुजरती है तो ट्रेन और स्टेशन के प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस बहुत कम होता है, जिससे आपको अपनी ट्रेन तेज गति से चलता प्रतीत होता है। वहीं दूसरी ओर अगर किसी ट्रेन को किसी स्टेशन पर से देखेंगे तो वह ट्रेन आपको नॉर्मल गति से चलता हुआ दिखाई देगा। जब कोई ट्रेन स्टेशन सेक्शन में प्रवेश करती है तो ट्रेन को कभी लूप लाइन से जाना होता है तो कभी मेन लाइन से। जब ट्रेन मेन लाइन से होते हुए स्टेशन को क्रॉस करती है तो लोको पायलट को सिग्नल क्लियर दिखाई देता है, जिससे लोको पायलट अपने ट्रेन को अधिकतम गति से चलाते हैं। और जब ट्रेन लूप लाइन से क्रॉस करती है तो उसका मैक्सिमम स्पीड 30 km/h होता है। और जब ट्रेन मेन लाइन से लूप लाइन में जाती है तो पहिया और ट्रैक के बीच घर्षण होता है, जिसके कारण की चनचनाहट वाली आवाज सुनाई देता है, जिसे कुछ यात्रियों को लगता है कि ट्रेन काफी तेज गति से चल रही है। हाँ, किसी ट्रेन का स्पीड मुख्य रूप से सिग्नल के एस्पेक्ट पर निर्भर करता है। अगर लोको पायलट को सिग्नल का एस्पेक्ट क्लियर पता चलता है तो वह उस ट्रेन को मैक्सिमम स्पीड में रखने का प्रयास करते हैं, चाहे वह स्टेशन सेक्शन हो या ब्लॉक सेक्शन। हाँ, कभी कभी बीच में यदि ट्रैक का मेंटेनेंस होता हो या ट्रेन का स्पीड निर्धारित कर दिया गया हो तो ऐसे में ट्रेन वहां धीमी गति से चलेगी और जैसे ही गति प्रतिबंध पार कर जाएगी तो वह फिर से फुल स्पीड में आ जाएगी। इसलिए कभी कभी मोबाइल ऐप पर आप ट्रेन के स्पीड को चेक करेंगे तो डिफरेंस मिल सकता है, बट हर जगह आपको ऐसा दिखने को नहीं मिलेगा। इस तरह ट्रेन का स्पीड सेम ही रहती है, बस ये हम लोगों के आंखों का धोखा है, जिससे कि यह एहसास होता है कि ट्रेन का स्पीड कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। सो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। धन्यवाद।